हाँ तो बच्चों क्या बोल रहे थे अपन, इमैनुअल कांट सिंग लाइक दैट, एक सेकेंड, तो इमैनुअल कांट को अपन ने क्या समझा कि अकॉर्डिंग टू कांट एम्पिरिसिज्म एंड रेशनलिज्म बोथ हैड फेल्ड टू एक्सप्लेन द नॉलेज, ठीक है, दोनों ही फेल हो गए, ना तो एम्पिरिसिज्म से अच्छी नॉलेज मिल रही है ना रेशनलिज्म से मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है एम्पिरिसिज्म से? बिकॉज एम्पिरिसिज्म सिर्फ न्यूनेस के बारे में बात करता है, बट देयर इज नो यूनिवर्सलनेस एंड कंपल्सरीनेस इन व्हाट इन द एम्पिरिसिज्म, और रेशनलिज्म, रेशनलिज्म इज ओनली टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल एंड कंपल्सरीनेस, देयर इज नो न्यूनेस इन दिस वन, ठीक है। Both had failed to explain the knowledge because both of them were based on the common assumption concerning the status of object. अब ये line बहुत important है. Both of them were based on the common assumption concerning the status of object. This is important line. अब just try to understand, यहाँ से game change होने वाला है पूरा, ठीक है, यहाँ से पूरा game change होगा और यहाँ से कांट समझने लगोगे तुम, ठीक है, तो इसको बिल्कुल concentrate करें, और नहीं होता है doubt आता है तो पूछो भी, ठीक है, बिना मतलब इसमें doubt clear करना जरूरी है। देखो क्या बात हो रही है, बोल रहे हैं कि दोनों जो है ना कॉमन अजम्पशन दोनों का क्या है, ये मान लो रेशनलिस्ट है, ये मान लो रेने डिकार्ट है, ठीक है, और ये मान लो जॉन लॉक है, टबुला रजा वाला जॉन लॉक है, ठीक है, और इसके अंदर रेशनलिस्ट के दिमाग में पहले से कुछ चीज है और इसके दिमाग में सब कुछ खाली है, ठीक है। अब इनको जब भी ऑब्जेक्ट के बारे में, मान लो कोई मार्कर है, मार्कर के बारे में पता लगाना होगा, तो दोनों मार्कर के पास जाएंगे, रेने डिकार्ट भी मार्कर के पास जाएगा और जॉन लॉक भी मार्कर के पास जाएगा, ये क्लियर है, रेने डिकार्ट और जॉन लॉक मार्कर के पास जाएंगे, उसको देखेंगे, इसका क्या होगा, इसकी नॉलेज पहले से दिमाग में है बट इसको ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद इसकी नॉलेज आएगी, ठीक है। ये जॉन लॉक क्या बोलेगा, जॉन लॉक बोलेगा कि भाई मेरे तो दिमाग में कुछ है ही नहीं, मैं तो ऑब्जेक्ट देखूंगा और दिमाग में नॉलेज आएगी, ठीक है, तो दोनों को ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ रहा है, क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। अब कांट बिल्कुल जस्ट अपोजिट करेगा, कांट विल मेक इट जस्ट अपोजिट, कांट कहेगा कि भाई हमको क्या करना होता है, कांट विल से लाइक दैट कि ऑब्जेक्ट के पास माइंड नहीं जाता है, बिल्कुल समझना ये, यहां से गेम चेंज होगा, माइंड ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट माइंड के पास जाती है, अब ये क्या बात है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर मान लो पर्सन जाएगा मार्कर के पास, समझ में आ रहा, तो यहां पर क्या होगा, चेंज होने की संभावना है कि आप अपनी तरह से ले ले मार्कर को, मैं अपनी तरह से ले लू मार्कर को, सब्जेक्टिविटी होने की जरूरत, पर अगर ऑब्जेक्ट जाएगी माइंड के पास तो ऑब्जेक्ट जैसी है वैसी ही अपन को पता चलेगा माइंड के अंदर, ठीक है, इसको मैं वापस आपको समझाता हूं, देखो देखो यहां पर समझो कि देखो ये दोनों क्या बोल रहे हैं, एम्पिरिसिस्ट और रेशनलिस्ट, बोथ आर सेइंग लाइक दैट कि जब भी हमको ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना होता है ना बच्चों, तो ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए दोनों को ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा, एम्पिरिसिस्ट को भी जाना पड़ेगा जिसका माइंड टबुला रसा है, और इसको भी जाना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है, इससे ये ऑब्जेक्ट बदलने की संभावना रहती है, ठीक है ना, इसको भी ये भी बदले, इसकी भी बदल जाएगी ऑब्जेक्ट और इसकी भी बदलने की संभावना रहेगी, राइट, तो इसके अंदर ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट की नॉलेज होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, इसके लिए डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट, तीसरा आएगा उसके लिए डिफरेंट, तो क्यों ना हम ऐसा माने कि ऑब्जेक्ट खुद माइंड के पास जाती है, माइंड ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाता, ये समझ रहे हो? अब ये मैंने आपको इसका आइडिया बताया, अब इसको ही अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा, इसको अपन धीरे धीरे आज की क्लास में पढ़ेंगे, पर पहले मैंने आपके माइंड के अंदर ये पॉइंट्स डाल दिए कि दैट व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये समझ गए सब, तो बता दो मेरे को, तो यस सर, ठीक है, मंदर आपका आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर, यस सर, तो चलो पहले हम कह रहे हैं इमैनुअल कांट पहला क्या करेगा, अब देखो मैंने तुमको पूरा टॉपिक खोल दिया है, और इस टॉपिक को अंदर 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 अपन घुसेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इमैनुअल कांट क्या बोलेगा, एम्पिरिसिज्म गलत है, रेशनलिज्म गलत है, एम्पिरिज्म, एम्पिरिसिज्म और रेशनलिज्म दोनों सही है एक साथ, ठीक है, इज दिस क्लियर, तो चलो लेट्स स्टार्ट,
कि एम्पिरिसिज्म, देखो फेलियर ऑफ एम्पिरिसिज्म में हम पढ़ते हैं, एम्पिरिसिज्म कैन नेवर गारंटी यूनिवर्सल एंड नेसेसरी एलिमेंट्स इन द एम्पिरिकल प्रपोजिशंस। ठीक है, एम्पिरिकल प्रपोजिशन जैसे रोज इज रेड है, तो ये कभी भी क्या करेगा, ये कभी भी यूनिवर्सल और कंपल्सरीनेस नहीं देगा। तो एम्पिरिसिज्म इज नॉट प्रोवाइडिंग अस यूनिवर्सलनेस एंड कंपल्सरीनेस। ठीक है, एंड फॉर नॉलेज प्रॉपर मस्ट हैव यूनिवर्सल एंड नेसेसरी फैक्टर अलोंग विद द फैकल्टी। कांट ऐसे बोलते हैं, कांट का ये फॉर्मूला होता है, नॉलेज प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर यूनिवर्सल हो, कंपल्सरीनेस हो, नेसेसरीनेस हो, विद फैक्चुअलिटी का मतलब क्या है, फैक्चुअलिटी का मतलब फैक्ट्स हो। फैक्ट्स कैसे आते हैं, देखकर, एक्सपीरियंस के थ्रू। तो ये बिल्कुल लाइन आपको एज इट इज लिखनी होंगी एग्जाम के अंदर, कि कांट का फॉर्मूला, कांट मीन्स नॉलेज प्रॉपर मीन्स यूनिवर्सल कंपल्सरीनेस एंड न्यूनेस, फैक्चुअलिटी मतलब न्यूनेस। ठीक है, फैक्ट्स, फैक्ट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज इंडिया की पॉवर्टी कुछ और है, कल को कुछ और हो सकती है। ठीक है, आज इंडिया का माल न्यूट्रिशन कुछ और है, ये फैक्ट्स हैं। समझ में आ रहा है, ये क्लियर है? या तो किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। मतलब यूनिवर्सल एंड नेसेसरी फैक्टर्स अलोंग विद फैक्चुअलिटी, फैक्चुअलिटी चेंज होते रहेगा लेकिन यूनिवर्सल और नेसेसरी फैक्टर्स सेम रहेंगे, ऐसा। हाँ, मतलब ये यूनिवर्सल और नेसेसरी किसकी है, यूनिवर्सल और नेसेसरी मतलब रेशनलिज्म का है, और फैक्चुअलिटी किसकी है, फैक्चुअलिटी एम्पिरिसिज्म का। ठीक है, तो ये नॉलेज प्रॉपर का मतलब क्या होता है, ये दोनों का सिंथेसिस, दैट इज नोन एज नॉलेज प्रॉपर। सो ऑन सर, जैसे हम so the only very face of it, according to Kant, empiricism cannot explain knowledge as is found in the mathematics and the physics. तो ये बोल रहे हैं कि empiricism जो होगा उसके अंदर universalness and compulsoryness नहीं है। ठीक है, जैसे mathematics होती है, ये चीज इसके अंदर नहीं है, but इसके अंदर सिर्फ क्या है, इसके अंदर सिर्फ factuality है। ठीक है, but knowledge proper क्या होता है, factuality plus empiricism, factuality plus universal and compulsoryness। तो last का point नहीं समझा मैं। last का point ये देखो, so the very face of it, according to Kant, empiricism cannot explain knowledge as in found in maths. Maths के अंदर कैसी knowledge होती है? 2 + 2 = 4, है ना? Universal. अब ये universal है, तो universal knowledge इसके अंदर नहीं मिलती है। Kant ऐसे बोल रहे हैं, इसके अंदर universal knowledge नहीं मिल रही है। असल physics में तो बहुत सारे assumptions भी होते हैं ना, theories, assumptions. Physics के अंदर जो theories होती हैं, जो practice, जैसे E = mc² है, ये वाली जो उसकी universal knowledge है ना, वैसे ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल नॉलेज है फिजिक्स की, जो यूनिवर्सल वाले। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर जो यूनिवर्सल नॉलेज होती है, वो चीज किसके अंदर नहीं मिलेगी, वो चीज हमको एम्पिरिसिज्म के अंदर नहीं मिलेगी। ओके, ठीक है, तो ये फेलियर ऑफ एम्पिरिसिज्म के अंदर आपको लिखना है। अब फेलियर ऑफ रेशनलिज्म क्या होगा, कि अकॉर्डिंग टू रेशनलिज्म देयर इज अ यूनिवर्सल फैकल्टी ऑफ रीजन, कि हमारे दिमाग में पहले से एक रीजन की फैकल्टी है, रेशनैलिटी है हमारे दिमाग में। ठीक है, individual has certain innate knowledge, उसके पास innate knowledge होता है। Knowledge proper, according to Kant, is exclusively constituted of such ideas. ठीक है, this theory successfully explains universality and necessity according to Kant, but it is not explaining what? It is not explaining your newness. ठीक है, देखो, rationalism has given a rise to देखो, rationalism के अंदर क्या है कि Spinoza, अगर आपको याद हो तो स्पिनोजा ने डेफिनेशन कौन सी यूज करी, वही डेफिनेशन यूज करी जो लेबनिट्स ने मोनाड की डेफिनेशन यूज करी थी। समझ में आ रहा है? पर स्पिनोजा क्या चला गया, स्पिनोजा वननेस पे चला गया, जबकि लेबनिट्स प्लुरलिज्म पे चला गया। यस, समझ गया। अगर दोनों के अंदर इंग्लिश नॉलेज सेम थी बच्चों, तो फिर ये दोनों अलग अलग कैसे चले गए? समझ गए? और रेने डिकार्ड तो अलग ही चले गए, वो तो एब्सोल्यूट और रिलेटिवनेस के अंदर बात करने लग गए, है ना, कि जो सब्सटेंस होता है वो एब्सोल्यूट होता है, फिर रिलेटिव होता है, फिर यहाँ पे आता है बॉडी और सोल, माइंड एंड बॉडी। तो ये तीनों ही अलग अलग चीजें बोल दी ना, लेबनिट्स, स्पिनोजा एंड रेने डिकार्ड, और तीनों ही क्या बोल रहे हैं कि हमारे अंदर पहले से इननेट नॉलेज है। तो फिर आउटकम अलग कैसे? हाँ, तो फिर आउटकम अलग कैसे? तो रेने ये बोलते हैं कि एक्चुअली दोनों एक कॉमन गलती कर रहे हैं। दोनों क्या कह रहे हैं कि दोनों ऐसे बोल रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं, पर ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है, हमारे माइंड के अंदर आती है। अभी उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया?
अब ये बोलेंगे कि जब आपको फेलियर ऑफ रेशनलिज्म दिखाना होगा तो आपको ये बोलेंगे रेशनलिज्म हैज गिवन राइज टू टू कंट्रास्टेड सिस्टम ऑफ स्पिनोजा एंड लेबनिट्स, ठीक है, लेबनिट्स कुछ और बोल रहे हैं, स्पिनोजा कुछ और बोल रहे हैं, भाई रेशनलिज्म है तो दोनों को सेम बोलना चाहिए, करेक्ट है, ठीक है, बोथ ऑफ देम हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब सब्सटेंस की डेफिनेशन तो सबकी सेम थी, नेमली सेल्फ एविडेंट डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस एसएफ, येट देयर कंक्लूजन टेकन सिंगली आर हाईली अनसैटिस्फैक्टरी एंड टेकन टुगेदर आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टर। ये स्पिनोजा जो था ना वो तो वन नेस पे चला गया था, ठीक है, परम सत्यम जगत मिथ्या हो गया था इसका तो अपन ने देखा था इसमें, और जबकि लेबनिट्स ने मोनाड्स आर प्लूरल, मैंने लेबनिट्स क्या था प्लूरलिज्म के अंदर चला गया था, समझ रहे, टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट हो गया क्या, नहीं हो, नहीं बस लिखा है कि और टाइम लिमिट नहीं है, चलो तो ये अपन ने इसके अंदर अपन ने इसको समझा कि भाई ये चीजें हमने इसमें पढ़ी है, राइट, अब देखो आगे देखते हैं अपन आगे क्या होता है। According to both of them, things are object of knowledge exist external to the mind. दोनों ऐसे बोलते हैं empiricism और rationalism कि things क्या है बाहर है, object बाहर है, ठीक है, तो object को देखने के लिए mind को जाना पड़ता है। अभी common जो common गलती कर रहे हैं ना दोनों, जिसके कारण इनका ये जो बोल रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण की common गलती आ रही है सामने, उसके बारे में बताएंगे। तो according to them, things जो होंगी ना वो क्या है, वो बाहर है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो रेशनलिस्ट है, इधर देखो सर, मान लो रेशनलिस्ट है, रेशनलिस्ट ऐसे देखेगा कि रेशनलिस्ट ऐसे देखेगा इस मार्कर को, ठीक है, ये सबको दिख रहा है, रेशनलिस्ट मार्कर की तरह से देखेगा, राइट, तो उसका दिमाग पहले इस मार्कर की तरफ जाएगा, समझ में आ रहा है, एम्पिरिसिस्ट का भी दिमाग पहले इस मार्कर की तरफ जाएगा, ठीक है, तब जाकर उसको ये, क्यों ना कि ये मार्कर है, अगर ऐसा अपन एक सिस्टम बना दे जिसके अंदर ये जो मार्कर है ना, ये मार्कर खुद क्या करे, मार्कर खुद दिमाग के अंदर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अकवर्ड लग रहा होगा, भी एक्सप्लेन कर देंगे पूरा, ठीक है, जब इसको ऑब्जेक्ट अगर खुद दिमाग के अंदर जाएगा तो सबके लिए यूनिवर्सल कंपलसरी होगा, yes, sir. और ऑब्जेक्ट की जो ट्रू नॉलेज होगा दैट कैन बी क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू बोथ, जो बोथ का मतलब यहाँ पे क्या है, एम्पिरिसिस्ट एंड रेशनलिस्ट, थिंग्स एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट एक्सटर्नल टू द माइंड, बाहर रहता है, ठीक है, द माइंड देयरफॉर हैज टू अप्रोच देम इन ऑर्डर टू नो देम, ठीक है, बट ऑन दिस अजम्पशन कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्ट हाउ कैन नॉलेज बी एक्सप्लेन, फिर तो नॉलेज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अपन, क्यों नहीं कर पाएंगे, अब देखो ये समझ में आ गया, ये वाली पॉइंट समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी फिर, ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से बोलेगा, तो तुमको जब रोज रेड दिख रहा है तो ऐसे नहीं बोलो देखो रोज रेड है, ठीक है, तुम उसको यूनिवर्सल नहीं बोल सकते, वो रोज तुम्हारे, अगर तुम उसकी तरफ जाओगे तब जाके क्या होगा, प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर इज ब्लैक, ठीक है, ये आपने बोला, या फिर सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, तो अगर सन जो है वो, जैसे हम बोलते हैं कि, जैसे कुछ बोल रहे हैं कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, समझ में आ रहा है, तो वो गॉड एक ऑब्जेक्ट है, वो दिमाग के अंदर जाइए, अगर वो दिमाग के अंदर फिट बैठ गया ना, तब तो दिमाग के अंदर जाने के लिए कुछ कंडीशनलिटीज होती है, देखो आगे चलकर ये पता चलेगा, दिमाग के अंदर जाने के लिए कुछ कंडीशनलिटीज होती है, ऑब्जेक्ट को फुलफिल करनी होती है, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाई तो वो दिमाग के अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है, चलो बताते हैं आगे, थोड़ा सा आगे का बताते हैं, मतलब ये बोल रहे रोज का जो, सिर्फ रोज का जो नॉलेज है वो यूनिवर्सल है, मीनवाइल उसके जो कलर है उसका फैक्चुअल नॉलेज है, सुनाई नहीं दिया तुषार क्या बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इमैनुअल कांट ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि रोज 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 इज रेड के केस में रोज का जो नॉलेज है वो यूनिवर्सल है और उसके जो कलर है वो फैक्चुअल है, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, देखो रोज अपने आप गया है वहां के अंदर, अब कोई दूसरा रोज जाएगा ना ग्रीन रोज बाइंड के पास तो उसको को ग्रीन पता लगेगा, इस तरह से नेसेसरीनेस भी है और ये भी है न्यूनेस भी है, यूनिवर्सलिटी भी, अभी देखो अभी बताते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, आगे की बात मैंने पहले बता दिया आपको, If object to be external to mind, then we can know them only by having experience of them. अगर object बाहर है ना तो हम सिर्फ experience के through जान पाएंगे उसको, ठीक है? On the basis of the experience alone, we can never be certain concerning the object. हम object के बारे में certain नहीं हो पाएंगे, right? If object can be external to the human mind, which it has to approach, then universal necessary concerning object are not possible. ठीक है?
अगर ऑब्जेक्ट बाहर होगा ना बच्चों, तो बाहर जो होगा ऑब्जेक्ट, अगर यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट बाहर है और आप उसके तरफ जा रहे हैं, तो उसके अंदर कभी यूनिवर्सल कंपल्सरीनेस नहीं आ पाएगी, ठीक है। पर दोनों ही जा रहे हैं, यूनिवर्सल कंपल्सरीनेस वाला भी जा रहा है, रेशनलिज्म वाला भी जा रहा है, और एम्प्रेसिज्म वाला भी जा रहा है, ठीक है। अब ये समझो, अकॉर्डिंग टू कांट स्टेटेड दैट इंस्टेड ऑफ माइंड अप्रोचिंग द ऑब्जेक्ट, माइंड अप्रोच कर रहा है ऑब्जेक्ट को, वी हैव टू अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट मस्ट अप्रोच टू द माइंड टू बी नोन एट ऑल, कि ऑब्जेक्ट अप्रोच करे माइंड को जानने के लिए, अपने आप को जनवाने के लिए। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द माइंड। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ये जो चीज है ना, इस चीज ने पूरी फिलॉसफी को हिला दिया। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कॉपरनिकस रिवॉल्यूशन। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया, मतलब अभी पूरा होगा। अभी तो बस ये समझो कि ऑब्जेक्ट जो है ना, उसको जानने के लिए ऑब्जेक्ट को माइंड के पास जाना होता है, जबकि हम पहले क्या कर रहे थे, हम माइंड को ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जा रहे थे, रेशनलिज्म और इंप्रेसिज्म। इसलिए दोनों के अंदर क्या थी, दोनों के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, नॉलेज प्रॉपर नहीं हुई थी। अभी इसकी बहुत सारी चीजें और बाकी है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट जब माइंड की तरफ जाएगी, ठीक है, तो उसको कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ कंडीशनैलिटीज होगी, वो फुलफिल करनी होगी, वो चीज अपन अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक बार मेरे को बताओ, कॉपरनिकस के बारे में कोई जानता है कुछ? नाम सुना है, कोई साइंटिस्ट नहीं? हाँ मतलब नाम सर, टेलीस्कोप बनाए थे सब कुछ। क्या उनका कंट्रीब्यूशन क्या है साइंस के अंदर? सर हेलियोसेंट्रिज्म, सन, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके वेरी गुड। कॉपरनिकस से पहले क्या थी, ये सिस्टम था कि अर्थ जो है ना वो सेंटर है, और मरकरी, वीनस, सन, ये सब इसके चक्कर लगाते हैं, अर्थ इज सेंटर, ठीक है। कॉपरनिकस से पहले की कहानी थी। फिर कॉपरनिकस ने बोला, भाई देखो अर्थ सेंटर नहीं है, सन इज द सेंटर। समझ में आ रहा है? सन एक सेंटर है और इसके चारों तरफ क्या है, प्लेनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। सन इज द सेंटर एंड दिस इज नोन एज कॉपरनिकस रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये कॉपरनिकस का रिवॉल्यूशन था कि कॉपरनिकस ने पूरा पलट के रख दिया सब चीजों को, कि हम पहले बोल रहे थे अर्थ सेंटर है और इसके आसपास सब राउंड कर रहे हैं, सन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेनेट। कॉपरनिकस ने बोला, नहीं भैया ऐसा नहीं है, अर्थ सेंटर नहीं है, सन इज द सेंटर और उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ चीजें घूम रही है। इसी तरह से कुछ कांट ने कराया बच्चों। कांट ने बोला है कि तुम जो एम्प्रेसिज्म वाले और रेशनलिज्म वाले, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम ऐसे मान रहे हो कि ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारे दिमाग के अंदर आती है, जब भी ऑब्जेक्ट दिखती है ना, तो ऑब्जेक्ट ट्राई करती है कि वो उसको आप लोग जानो, उस ऑब्जेक्ट को आप लोग समझो, उस ऑब्जेक्ट को आप लोग जानो, ये ऑब्जेक्ट ट्राई करती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ट्राई करेगी, उसकी कुछ कंडीशनलिटीज होती है कि तुम उस ऑब्जेक्ट को जान सकते हो कि नहीं जान सकते, वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। अभी तो ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। कॉपरनिकस रिवॉल्यूशन इन द कांट थ्योरी। कांट ने क्या है, चीजों को पलट दिया। अभी तक सिर्फ हम यही पढ़े, अभी तक हम सिर्फ बेसिक पढ़े कि व्हाट इज रेशनलिज्म, रेशनलिज्म में क्या फेलियर है, क्या अपना एम्प्रेसिज्म है, एम्प्रेसिज्म में क्या फेलियर है। और कांट क्यों बोल रहा है इस फेलियर को, फेलियर इसलिए बता रहा है क्योंकि दोनों एक ही गलती कर रहे हैं, कॉमन गलती कर रहे हैं। कॉमन गलती क्या कर रहे हैं, दोनों एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कॉपरनिकस रिवॉल्यूशन इन द थ्योरी ऑफ, ठीक है। अभी तक अपन ये पढ़े देखो कि वेस्टर्न फिलोसफी अपन ने स्टार्ट करी इमैनुअल कांट के बारे में, कि इसका फॉर्मूला जो है एम्प्रेसिज्म और रेशनलिज्म, ये दो फॉर्मूले इसके पास हैं, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने बोला एम्प्रेसिज्म के अंदर कंपल्सरीनेस और यूनिवर्सलनेस तो है, पर इसके अंदर क्या है, एम्प्रेसिज्म के अंदर यूनिवर्सलनेस तो है पर यूनिवर्सल कंपल्सरीनेस नहीं है, ठीक है। और रेशनलिज्म के अंदर क्या है, रेशनलिज्म के अंदर कि हर कोई और अलग अलग जाकर पहुंच जाता है, ठीक है, कि स्पिनोज़ा अलग चला गया, रेने डिकार्ट अलग चले गए, ठीक है, कांट अलग, ये जो रेने डिकार्ट, लेबनिट्स अलग चले गए, ये इस तरह से बोल रहे हैं, राइट। फिर इन्होंने आगे बोला कि ये दोनों, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दोनों के अंदर, ठीक है। तो दोनों के अंदर गड़बड़ क्या है, कि दोनों ये मान रहे हैं कि थिंग्स एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट एक्सटर्नल टू द माइंड एंड माइंड हैज टू अप्रोच, माइंड को आगे अप्रोच करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू नो दैट, इस मार्कर को जानने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा इस मार्कर के पास। एक्चुअल में कांट क्या बोल रहे हैं, कांट इज सेइंग कैसे नहीं होता है, मार्कर
को जानने के लिए आपको नहीं जानना पड़ता है, मार्कर आपके पास आएगा। अगर वो कुछ कंडीशन फुलफिल करता है तो आप मार्कर को जान पाओगे, अदरवाइज आप नहीं जान पाओगे। जैसे गॉड है, अब देखो अब आप समझ में आएगा, जैसे गॉड है, गॉड भी एक ऑब्जेक्ट है। गॉड तुम क्यों नहीं समझ पाते गॉड है, क्योंकि तुम्हारी माइंड के अंदर जो कंडीशंस होती हैं, प्री कंडीशंस होती हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको समझते हैं अपन, इस चीज को अब अपन आगे समझेंगे। ये जो मैंने लास्ट लाइन बोली है ना, ये लोग अपन लोग आगे समझेंगे। ठीक है, देखो, देयर आर सर्टेन प्री कंडीशंस फॉर ऑब्जेक्ट्स, कुछ प्री कंडीशंस है ऑब्जेक्ट के। ये प्री कंडीशंस क्या है, टू फॉर्म ऑफ सेंसिबिलिटी, दैट इज स्पेस एंड टाइम। अब यहां से आप साइंस की एक अलग फील्ड के अंदर जा रहे हो, स्पेस एंड टाइम के अंदर। ठीक है, स्पेस एंड टाइम के बारे में समझते होगे सब, कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो चीज। ठीक है, स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम के बारे में अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ये समझो। एंड 12 कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट, 12 कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंस, कैजुअलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे 12 कैटेगरीज है। ठीक है, इन दोनों कैटेगरीज के अंदर इसको बोलते हैं, इन 12 कैटेगरीज को बोलते हैं बेटा बच्चों रेशनल कैटेगरीज, इसको बोलते हैं रेशनल कैटेगरीज। और स्पेस और टाइम टू फॉर्म ऑफ सेंसिबिलिटी है, दैट इज नोन एज स्पेस एंड टाइम। अगर इन कंडीशंस को फुलफिल कर देती है ऑब्जेक्ट, तो तुम ऑब्जेक्ट को जान पाओगे, अदरवाइज ऑब्जेक्ट को नहीं जान पाओगे। कांट ऐसे बोलते थे, अब धीरे धीरे समझ में आएगा टॉपिक। कांट ऐसे बोलते थे कि भाई संसार के अंदर, इस संसार के अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पर तुम कुछ ही ऑब्जेक्ट को जान पाते हो, कुछ को नहीं जान पाते, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ऑब्जेक्ट तुम्हारे अंदर नहीं आ पा रही है, तुम्हारी रेशनल कैटेगरीज के अंदर नहीं आ पा रही। जैसे भगवान है, भगवान इस संसार में है, कांट मानेंगे भगवान है। ठीक है, कांट बहुत रिलीजन के अंदर, कांट बहुत फोर्सफुली बोलेंगे हाँ भगवान है, पर तुम जान नहीं पा रहे उसको। अब इसको मैं एक एग्जांपल से तुम्हें बताता हूं। जैसे कि मान लो एक टेबल है, ठीक है, दिस इज अ टेबल, और इस टेबल में अलग अलग साइज के होल्स हैं। इस तरह से, राइट। अब आपके पास बहुत सारी बॉल्स है, एक बॉल का साइज ऐसा है, ठीक है, तो ये बताओ ये बॉल कौन कौन से गोले में निकल जाएगी, अगर इसको अपन ए बी सी डी बोले, एक बीच वाले में, एच में से निकल पाएगी, है ना। तो हाँ, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये कंडीशंस ऐसे समझो। अच्छा, मान लो एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये किसी में से नहीं निकल पाएगी ना बच्चों, नहीं निकल पाएगी, तो इस ऑब्जेक्ट को तुम जान नहीं पाओगे, ये तुम्हारी रेशनल कैटेगरीज ऐसे समझो। दीज आर व्हाट, दीज आर द रेशनल कैटेगरीज। ओके, 12 रेशनल कैटेगरीज, तो 12 रेशनल कैटेगरीज में से अगर ये पास हो जाती है तो रेशनल कैटेगरीज का मतलब रेशनैलिटी, रेशनलिज्म, समझ में आ रहा है, तो समझ में आएगा ऑब्जेक्ट, है ना, तो तुमको समझ में आएगा ऑब्जेक्ट। पर इसके लिए तुमको स्पेस एंड टाइम भी होना चाहिए, स्पेस एंड टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पेस एंड टाइम क्या हो गया, एक तरह से परसेप्ट्स हो गए, ठीक है, जो कि आपका एम्प्रेसिज्म के अंदर आएगा, समझ में आ रहा है। अब इसको अपन आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज स्पेस एंड टाइम और ये सब चीजें अपन आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आप ये समझो कि इन रेशनल कैटेगरीज में से जब तक ये ऑब्जेक्ट पास नहीं होगी, ये प्री कंडीशंस है, ये प्री कंडीशन है कि भाई इसमें से जिसमें से पास हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को सब जान जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट जानना आ जाएगी सब, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या है, हमारे क्या है, हमारे बहुत सारे एक तरह से रेशनल कैटेगरीज है, हमारे दिमाग एक तरह से इस तरह से है, 12 रेशनल कैटेगरीज है, ठीक है। अब इन रेशनल कैटेगरीज में से जो पास हो रहा है ना बच्चों, वो तो आपको जान में आ जाएगा, और जो नहीं पास हो रहा है, भगवान ये है, गॉड ये है, ये पास नहीं हो पाता, समझ में आ रहा है, इसलिए हम उसको जान नहीं पाते, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट कांट इज सेइंग। कांट बोल रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट जो होती है ना, जब आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ऑब्जेक्ट चाहती है कि आप उसको जानो, इसलिए, और ऑब्जेक्ट की तरफ से नॉलेज आ रही है। अगर वो नॉलेज आपके इन खाचों के अंदर से निकल जाती है तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग द नॉलेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर नहीं निकल रही है, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस, ठीक है, कि मतलब आप रॉन्ग नहीं है, मतलब वो ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट आपको समझ में नहीं आ रही, बिकॉज रेशनल कैटेगरीज दिमाग के अंदर 12 रेशनल कैटेगरीज है, इसमें से पास, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, कईयों की रेशनल कैटेगरी, जैसे मान लो इसकी रेशनल कैटेगरी ये वाली है, ये इसकी है ना, ये रेशनल कैटेगरीज की एक्टिव नहीं है, तो ये क्या करेगा, अब इसके अंदर ये रेशनल कैटेगरी एक्टिव नहीं है, तो
तो इसके अंदर वो चीज नहीं आ पाएगी, बट किसी के अंदर एक्टिव है तो उसको भगवान दिख जाएंगे, ऐसा ये बोलने की कोशिश करते हैं, समझ रहे? तो ये सेंसिबिलिटी, ये बहुत सारी रेशनल कैटेगरीज अपन को पढ़ना है कि व्हाट आर द डिफरेंट रेशनल कैटेगरीज। तो देखो ये, देखो ये वाली चीज पढ़ो, तुम लोग पढ़ो अपने आप मन में, सपोज दे आर आर, ये सब पढ़ो ये वाली चीज। समझ में आया? ठीक है, तो ये बोल रहा है, सपोज देयर आर नंबर ऑफ होल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज इन द सरफेस ऑफ टेबल, सिमिलरली सपोज देयर आर नंबर ऑफ पेबल्स ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, लेट दिस पेबल रोल द सरफेस, ओनली दोस पेबल व्हिच विल बी कॉट अप दैट फिट इनटू द होल दैट विल बी पास्ड। ठीक है, तो इसी तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, जो आपके रेशनल कैटेगरीज के अंदर फिक्स हो रहा है ना बच्चों, वो ही पास हो पाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पास नहीं। ठीक है, ये बोल रहे हैं अपना कांट इस तरह की बातें कर रहे हैं, राइट सर? यहाँ रैशनल कैटेगरीज का मतलब ये हो गया ना कि ये इनेट नॉलेज की बात कर रहा है। हाँ, रेशनलिटी की बात कर रहा है, रेशनल कैटेगरी ये सबके अंदर सेम ही होंगी ना, तो ये प्री कंडीशन है ना मतलब। हाँ, ये प्री कंडीशन है, ये रेशनल कैटेगरी। ठीक है, अब देखो, इन द सेम वे माइंड लेस डाउन द कंडीशन फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी नोन, माइंड भी क्या करता है इसी तरह से एक कंडीशन, ओनली दोस ऑब्जेक्ट व्हिच फिट इनटू दिस कंडीशंस आर नोन, जो ऑब्जेक्ट इस कंडीशंस में फिक्स है ना वो ही जानी जा सकती है, दोस व्हिच डू नॉट फिक्स आर नॉट नोन एट ऑल, जो नहीं होती है फिक्स वो अपन को जानी नहीं। ये कांट का बेसिक थीम है, ठीक है, ये कांट ने बेसिक थीम बताया कि भाई देखो वही चीज जानी जाएगी जिसके अंदर, जो इस कंडीशन के अंदर पास हो जाती है ना, और वो और जो चीजें हैं जो इस कंडीशन में पास नहीं होती वो नहीं जाने पाएगी, जानी जाएगी। अब देखो, अब क्या होगा, दिस वुड एक्सप्लेन यूनिवर्सलिटी एंड यूनिवर्सलनेस इन कॉग्निटिव प्रपोजिशन कंसर्निंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होगा, यूनिवर्सलनेस और कंपल्सरीनेस, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिवर्सलिटी इन द कॉग्निटिव प्रपोजिशन कंसर्निंग एनी ऑब्जेक्ट व्हाटसोवर, जो भी है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी और यूनिवर्सलिटी हो जाएगा, बिकॉज देखो ये है आपका दिमाग का कैटेगरी। सर एक मिनट, स्लाइड लोड नहीं हो रहा है। इन द सेम वे द माइंड लेस डाउन द कंडीशन फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी नोन, वही वाला स्लाइड दिख रहा है आपका, सबका वही दिख रहा है? हां अभी आया, हां अभी आया, दिख रहा है अभी। अच्छा, दिस वुड एक्सप्लेन यूनिवर्सल यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिवर्सलिटी इन कॉग्निटिव प्रपोजिशन कंसर्निंग एनी ऑब्जेक्ट व्हाटसोएवर। The most important thing for Kant, therefore, is to show that there are certain a priori forms as preconditions for any object to be known. A priori मतलब आगे चलके बताएंगे। A priori form का मतलब होता है कि जो सबके अंदर हो, universal, compulsory, इस तरह की जो forms होती हैं उसको अपन a priori। तो ये as precondition for any object। तो देखो, अब इसके अंदर ये है कि rationalism वाले क्या बोलते थे बच्चों? Rationalism वाले ये बोलते थे कि भाई हमें जो होगा, हमारा जो सिस्टम होगा, रेशनलिज्म वाले बोलते थे कि हमको ऑब्जेक्ट के पास जाना होगा और ऑब्जेक्ट की नॉलेज जो है हमारे दिमाग में पहले से, ये बोलते हैं, ये ऐसा नहीं बोल रहे, ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई देखो जो रेशनलिटी होती है वो यूनिफॉर्मिटी और यूनिवर्सलिटी लेकर आती है सिस्टम के अंदर, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी देखो 12 ही खांचे हैं, मेरे दिमाग के अंदर भी 12 ही खांचे हैं, ठीक है, साचे हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो साचे हैं, ये जो कैटेगरीज है वो सबके अंदर सेम है, ये सबके अंदर 12 कैटेगरीज आ जाए। ये समझ में आया? The most important thing for Kant, therefore, is to show that there are certain a priori forms as a preconditions which is used to know the object. ठीक है, ये अपन इसके अंदर बोल रहे हैं। तो फिर अब कांट की फिलोसफी इज नोन एज रिकॉन्सिलेशन बिटवीन एम्पिरिसिज्म एंड रेशनलिज्म, जिसके अंदर कांट बोल रहे हैं कि यूनिवर्सलिटी तो देखो इनसे आई है और स्पेस एंड टाइम से आएगा अपना एम्पिरिसिज्म। ठीक है, ये कांट का फिलॉसफी। सर वो लास्ट पॉइंट नहीं समझा मैं, अ प्रायोरी फॉर्म्स वाला। अ प्रायोरी फॉर्म्स वाला क्या होता है? यूनिवर्सल एंड कंपलसरी समझो अभी इसको, अभी मैंने पढ़ाया नहीं ना अ प्रायोरी तुमको, तो इसको यूनिवर्सल और कंपलसरी समझो अभी, आगे आएगा ये। सर हमने जो 12 रैशनल कंडीशंस देखे हैं तो हम उसे अ प्रायोरी कंडीशन कह सकते हैं जो कि हर इंसान में सेम रहेगी। हां हां बिल्कुल। तुषार तुम कुछ बोलना चाहते हो इसमें? नहीं नहीं। और मंदिर आपको समझ में आ गया?
मंदर हेलो हाँ तुषार तुम्हें तो आ गया ये समझ में, है ना? ये कांट का बेसिक है, देखो ये जब तक समझ में नहीं आता ना, ये कांट का बेसिक कोई पढ़ाता ही है, इसमें ही सब कुछ हुआ है कांट के बेसिक के अंदर। अब जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगा ना, जब तक कांट बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो अब हमने क्या समझा, हमने समझा कि रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म दोनों को मिलाना चाह रहे हैं कांट किसी तरह से, और कांट ऐसे बोल रहे हैं कि दो चीजें अपन ने यही समझी, एक तो फेलियर समझा है कि फेलियर ऑफ रेशनलिज्म कैसे होता है और फेलियर ऑफ एम्पिरिसिज्म कैसे होता है। दूसरा हमने ये समझा है कि भाई ऑब्जेक्ट जो होती है वो माइंड की तरफ आती है अकॉर्डिंग टू कांट, माइंड ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाता, ठीक है? ये दो चीजें अपन ने इसके अंदर समझी, और ये जो स्लाइड है मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म के अंदर, ठीक है? तो आप देख लेना इनको, तो आपको अब लिखने का भी जरूरत होगा स्लाइड में से आप कर सकते हैं, ठीक है? सर आप एक चीज नहीं बताइए आपने सर, वो आगे बताने वाले हो क्या ये मतलब? हाँ, ये प्री कंडीशन जो कि आप पूरा अपन जो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे ना, टाइम एंड स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, इन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ये जो ये है रेशनल कैटेगरीज है इनके बारे में समझेंगे, ये चीज अपन आगे की क्लासेस में समझ रहे। तो अभी देखो ये है, रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द एम्पिरिसिज्म एंड द रेशनलिज्म, ठीक है? अब देखो, अब ये समझो कि एम्पिरिसिज्म क्या बोल रहा है, द माइंड एट द बर्थ अकॉर्डिंग टू एम्पिरिसिज्म इज क्लीन सीट और टेबुलरिज्म, एक तरह से रिविजन चल रहा है तुम्हारा, ऑल द करेक्टर्स ऑफ द नॉलेज आर इंस्क्राइब्ड ऑन इट बाय एक्सपीरियंस ओनली, दस नॉलेज बिगेन विद एंड एंड विद एक्सपीरियंस। ये कौन बोलता है? एम्पिरिसिस्ट बोलता है, एम्पिरिसिज्म, ठीक है? रेशनलिज्म क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इट माइंड इज एक्टिव एंड क्रिएटिव, एज सून एज वी बीइंग टू रिफ्लेक्ट वी बिकम कॉन्शियस ऑफ सर्टेन इननेट आइडियाज, जैसे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, पर हम माइंड गया ना ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट को देखा फिर इसके माइंड के अंदर ट्रिगर कर गया, अरे हाँ ये तो ऑब्जेक्ट की नॉलेज मेरे पास है, तो फिर उसने कर दिया, राइट? नॉलेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सक्लूसिवली ऑफ इननेट आइडियाज, ये इस तरह से बोल रहे, ये बोल रहे एक्सपीरियंस से होते हैं, ये बोल रहे नहीं नहीं इननेट आइडियाज से निकल कर आते हैं। सर एक एक डाउट है सर मेरा, सर जैसे मार्कर है, मार्कर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो सर उसमें इननेट नॉलेज कैसे आएगी मेरी? ये देखो, ये समझो कि मार्कर के मतलब मार्कर की नॉलेज पहले से दिमाग में दे रखी है ना भगवान ने तुम्हारे, इननेट नॉलेज का मतलब होता है कि वो जो नॉलेज है वो पहले से है दिमाग के अंदर, समझ में आ रहा है? चाहे तुमने मार्कर देखा है नहीं देखा है, पर जैसे देखते हो ना तो माइंड विल बिकम एक्टिव एंड क्रिएटिव अकॉर्डिंग टू इट, माइंड इज एक्टिव एंड क्रिएटिव एज सून एज वी बीइंग बिगिन टू रिफ्लेक्ट, जैसे कि जैसे हम उस मार्कर को देखेंगे वी बिकम कॉन्शियस ऑफ सर्टेन इननेट आइडिया, कि हमारे दिमाग में जो इननेट आइडिया हमको बदल जाएगा, अच्छा ये मार्कर है, इस तरह से। समझ गया विनीत? सर फिर ये मार्कर की जगह अगर हम जैसे मैं फ्यूचर इन्वेंशन की बात करता हूँ, जैसे कि कुछ 2 साल पहले नहीं पता था कि मोबाइल भी हो सकता है, पर उसका आइडिया तो था, रेशनलिज्म बोल रहा है उसका आइडिया तो था दिमाग में। अच्छा ये अपन कांट में मैं एक एग्जांपल दूं क्या इसको विनीत को? हाँ बोल बोल। हाँ जैसे नया दूध पीता बच्चा, उसको जब तू बॉटल देता है तो वो अपने आप पीने लगता है, उसे किसी ने सिखाया नहीं ये पीना है, तो ये इननेट आइडिया है। जैसे कि बच्चा पैदा होते रोने लगता है कि रोता ही क्यों है, उसके दिमाग में है पहले से रोने का। मेरा यही था कि जैसे कोई भी इन्वेंशन होती है फ्यूचर टेक्नोलॉजी में, स्पेस एंड टाइम में कोई इन्वेंशन होती है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, मतलब कुछ 100 साल पहले जो दिमाग में आया भी नहीं था, इंसान सोचते ऐसा पॉसिबल भी नहीं, लेकिन अब वो है, इट्स लाइक वेरी कॉमन, अब हर कोई यूज करता है वो, जैसे मोबाइल हो गया। कि जब तक इननेट वाले से बोलेंगे, जब तक तुम्हारे दिमाग में आइडिया नहीं होगा ना, तो कोई भी चीज होती है ना उसका आइडिया पहले से होता है दिमाग में, कि बाबा रामदेव ने क्लोरोफिल बनाया, ठीक है? उनका दिमाग पहले से आइडिया था, मतलब अपन सबके दिमाग में वो आइडिया है, इननेट है हमें, तब हमने बनाया तो फिर हम हमारा दिमाग एक्टिव हो गया, ठीक है, क्रिएटिव हो गया और ऑब्जेक्ट की तरफ आया, जैसे उन्होंने सोचा कोरेनिल के बारे में, तो उनका दिमाग के अंदर क्या हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। देखो वी बिकम कॉन्शियस ऑफ सर्टेन इननेट आइडिया, जो इननेट आइडिया था कोरेनिल वाला, उसके लिए अपन क्या हो गए, कॉन्शियस हो गए। तो सर ये एक तरह से रैशनलिज्म की फैलेसी कह सकते हैं ना सर, यहाँ पर थोड़ा। हाँ ये एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं ना, अब देखो दोनों में बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस समझाते हैं वापस से,
कि मार्क रेशनलिज्म वाला है, मान लो मैं रेने डिकार्ट हूँ, ठीक है, तो मैं से बोलूंगा मैंने मार्कर देखा, मेरे दिमाग में कुछ एक्टिव हो गया, इननेट नॉलेज वाली चीज एक्टिव हो गई और इससे मैं मार्कर को जान पाया, ये समझे सर? ठीक है, जबकि मैं अब मान लो मैं हो जाता हूँ जॉन लॉक, बोलूंगा कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं है पहले से, मैंने मार्कर देखा, इसको समझा, इसको समझ में आया मेरे को, हाँ ठीक है ये है, तब जाकर मेरे दिमाग में वो चीज आई, समझ गए? दोनों को नॉलेज आ रही है, पर दोनों अलग तरीके से बता रहे हैं। रेने डिकार्ट बोल रहे हैं भाई हमारे पहले से दिमाग में नॉलेज थी मार्कर की, इसलिए मेरे को नॉलेज मार्कर के बारे में पता चला, जबकि जॉन लॉक बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था भाई, जॉन लॉक इज सेइंग दैट कि भाई हम हमने पहले मार्कर के बारे में समझा, जाना इसको बूझा, फिर जाकर हमको मार्कर समझ में आया। सर रैशनलिज्म को ऐसा कह सकते हैं, मतलब इक्वेट कर रहा हूं कि ऐसा कह सकते हैं कि रैशनलिज्म में जो एनालिसिस कर सकते, मतलब जो क्या कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट का एनालिसिस ऑलरेडी दिमाग में होता है। हां सब कुछ दिमाग में है रैशनलिज्म में पहले, बस हमको जानने की जरूरत होती है, जैसे प्लेटो बोलते हैं ना कि सोल जब ऊपर थी उसको सब पता, तुम्हारा माइंड को ही जाना पड़ रहा है, यहाँ पे रेशनलिज्म में भी मैं गया, रेने डिकार्ट भी गया इसके पास, और वो जो दूसरा है जॉन लॉक है वो भी गया ऑब्जेक्ट के पास, ये ऐसे बोलता है ऐसे करो ऑब्जेक्ट को आने दो दिमाग के अंदर, अब जैसे ऑब्जेक्ट होगी वैसे आ जाइए। अब ऑब्जेक्ट को आने के लिए भी कुछ कंडीशंस चाहिए, दिस प्री कंडीशंस आर नोन एज रेशनल कैटेगरीज, दिस प्री कंडीशंस आर नोन एज रेशनल कैटेगरीज एज वेल एज योर टाइम एंड स्पेस, ये प्री कंडीशंस होती है, इस प्री कंडीशंस को अगर पास कर गई ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, जैसे अपन बोलते हैं मेटाफिजिकल रियलिटीज, अब मेटाफिजिकल रियलिटी स्पेस और टाइम के अंदर ही नहीं है तो कहां से पता चलेगा, पर है तो सही ना, समझ में आ रहा है, पर है तो सही, तो उस ऑब्जेक्ट को पहली कंडीशन ये है कि स्पेस एंड टाइम में होना चाहिए, स्पेस एंड टाइम में होगा तो एम्प्रेसिज्म हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, और तो फिर हाँ सर, तो फिर कांट मेटाफिजिकल रियलिटीज को नहीं मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, पर वो बोलेंगे है तो सही मेटाफिजिकल रियलिटीज, पर वो तुम्हारे तुम उसको कॉग्निशन में नहीं आएगी, कॉग्निशन नहीं में फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्पेस एंड टाइम में नहीं है वो, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रियलिटी है वो स्पेस एंड टाइम फॉलो करे ही अकॉर्डिंग टू कांट। ये देखो अगर तुम्हारा माइंड उनको जान पाएगा तभी जान पाएगा जब वो स्पेस एंड टाइम में होगी, पहली कंडीशन, और दूसरा वो रेशनल कैटेगरीज के अंदर, जैसे बड़ी बॉल तो थी ना आदित्य अपनी, इसके अंदर बड़ी बॉल थी पर वो पास नहीं हो पा रही थी ना, yes, समझ लो, तो बड़ी बॉल तो है पर वो स्पेस एंड टाइम से परे, मेटाफिजिकल क्या है बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, तो उस चीज से परे इसलिए अपन को नहीं दिख पा रही। तो मतलब अगर मेटाफिजिकल रियलिटी को जानना है तो जिसे जानना है उसे भी स्पेस एंड टाइम के परे होना चाहिए, तभी उसे वो तभी वो जान पाएगा ऐसे, उसको अपन जान ही नहीं सकते, ये बोल रहे हैं कि मेटाफिजिकल रियलिटी को हम जान ही नहीं सकते, भगवान को जान ही नहीं सकते, समझ रहे हैं? आदित्य भगवान को जान नहीं सकते क्योंकि वो टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है, इसका मतलब वो रिफ्यूट नहीं कर रहे भगवान को, रिफ्यूट नहीं वो कर रहे, बोल रहे भगवान है लेकिन वो टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है इसलिए जान नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा कॉग्निशन नहीं हो रहा है, रैशनलिटी के बेस पे उन्होंने जो कैटेगरीज दी है उसमें फिट नहीं हो रहा। वो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को अभी महाभारत देख ही रहे हो, सबको समझ में आ जाएगा एग्जांपल, कि कृष्ण ने जब अपना दिव्य रूप दिखाया था है ना, तो दिव्य रूप दिखाया था तो वो सिर्फ अर्जुन को दिखा था ना गीता के अंदर, ऐसा नहीं था सबको दिखने लग गया हो कि कृष्ण, जब वो अर्जुन माना ही नहीं कि साहब मैं तो नहीं मान रहा हूँ आपकी बात को, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो अब किसी चीज का एंड भी होगा, क्वेश्चन आंसर ही तो नहीं करते रहेंगे, युद्ध भी करना था, तो फिर कृष्ण ने कहा कि ये देखो तुमको मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, पहले दिव्य दृष्टि दिए मतलब उसने उनका वो जो होल है टेबल वाला वो बड़ा कर दिया, रेशनल कैटेगरी से परे कुछ और कैटेगरी दे दी उसने कि भाई ये देखो और लोगों के पास तो 12 रेशनल कैटेगरी है, ये लोग 13 रेशनल कैटेगरी, दैट इज दिव्य दृष्टि, समझ में आ रहा है? अब देखो मेरे को, तो अब उसको दिखा कि हाँ भाई ये तो भगवान है, औरों को तो ये क्या है कि नॉर्मल आदमी दिख रहा है क्योंकि औरों के अंदर इसकी वो वाली करेक्टरिस्टिक जा ही नहीं पा रही है। ओके सर, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये वैलिड है क्या, जब तक
स्पेस एंड टाइम की बॉर्डर खुद जो जिसे जानना है वो पार नहीं कर पाता, तब तक वो मेटाफिजिकल रियलिटीज ग्रास्प नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू कांट। ऐसे कांट ऐसे बोल रहा है कि देखो कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी गॉड के बारे में नहीं जान पाएगा क्योंकि सबके अंदर 12 ही रेशनल कैटेगरीज है। बट वो ऐसा ही बोल रहे कि गॉड है, पर गॉड है अच्छा, पर गॉड को बारे में इसलिए नहीं जान पा रहे क्योंकि गॉड वाली प्री कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पा रहा है, स्पेस एंड टाइम में नहीं जान पा रहा है, इसलिए तुम गॉड को नहीं बोल। अब अर्जुन भी जब कृष्ण को देखे थे तो उन्होंने नॉर्मलाइज से तो नहीं देख पा रहे थे ना। दिव्य दृष्टि देने का मतलब क्या है? दिव्य दृष्टि देने का मतलब क्या है कि 12 कैटेगरी तो भाई भीष्म पितामह के पास होगी, दुर्योधन के पास होगी, इन सबके पास 12 कैटेगरी है, पर अर्जुन को कुछ और उन्होंने दिया है, इस कैटेगरी से परे कुछ और दे दिया, वो जो उनका उनका जो होल था टेबल वाला उसको बड़ा कर दिया। सर एक डाउट है। हाँ बोलो सर। संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी फिर तो? संजय के पास, संजय वाला अलग कर सकता है, वो दिव्य दृष्टि नहीं थी, वो टेलीपैथी वाला कंसेप्ट होता है संजय। हाँ, वो टेलीपैथी वाला है। दिव्य दृष्टि तो उनको ही दी गई थी, अर्जुन को दी गई थी। अभी जैसे सर राजस्थान में बैठ के मुझे देख पा रहे हैं महाराष्ट्र में, तो ये टेलीपैथी है। हाँ मतलब अभी तो अपन नेटवर्क से देख रहे हैं, बिना नेटवर्क के देखेंगे सिर्फ माइंड से तो दैट विल करेक्ट, हल्का फुल्का सा वैसे ही कुछ। हाँ तो एम्प्रेसिज्म ये समझे, एम्प्रेसिज्म क्या बोल रहा है और रेशनलिज्म क्या बोल रहा है, ये दोनों चीज समझिए। आदित्य को डाउट है कुछ सर? तो फिर ये कांट जो है ये खुद ही फंस जाएगा ना, क्या जो अगर गॉड कोई जान ही नहीं सकता तो ये कैसे क्लेम कर रहे कि गॉड है, तब क्या किस बेसिस पे? इस बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं कि भाई गॉड प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, स्पेस एंड टाइम से परे है, सिर्फ ये बोल रहे हैं। अब बेसिस तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया गॉड के लिए, पर इन्होंने बोला गॉड है, भगवान है, पर तुम जान नहीं पा रहे हो इसलिए। देखो इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं कि इस संसार का 5% एरिया ही अपन को दिखता है, बाकी सब कुछ डार्क है, ऐसा होता है ना, 95% जो है वो डार्क एनर्जी है यूनिवर्स का। हाँ यूनिवर्स संसार का तो 95% जो है एरिया है वो डार्क एनर्जी है, तो वो डार्क एनर्जी हमको दिखता थोड़ी ना, हमको तो सिर्फ 5% एनर्जी दिख रही है, तो वो है तो सही, उसको रिफ्यूट तो नहीं कर सकते कि भाई नहीं कहे, बट वो तुम्हें दिख। अच्छा एग्जांपल दिया आपने, समझ में आ गया। या फिर आप ऐसे देखते कि जैसे भूत लोग होते हैं, ठीक है, गोस्ट होते हैं, वो हेल्थ पर हम उनको दिख नहीं रहे, समझ में आ रहा है? अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, ये कांट बोल रहे हैं, ये कांट का बेसिक फॉर्मूला बेसिक थीम ये है कि भाई देखो ये चीजें है तो सही, पर वो तो फिलोसॉफिकल, वो तो फिलोसॉफिकल हो गया, वो तो मान भी लेंगे, लेकिन वो जो पीरियड में जिस पीरियड में कांट थे, अगर वो भगवान को अपराइटली अगर वो रिजेक्ट कर देते तो बातें कुछ और होती, उनकी फिलोसॉफी नहीं आती फिर बात। नहीं तब तक रेशनलिज्म आ गया, रेशनलिज्म आ गया था क्या? ओके ओके, वो तो इन सब के बाद के फिलोसोफर है, रेने डिकार्ट, इन सबको पढ़कर ही इन्होंने तो उन्होंने अपनी फिलोसफी बनाई है, क्योंकि लेकिन फिर भी अगर वो कैथोलिक चर्च वाला जो कॉन्सेप्ट है उनका वहां पे, तो उसमें तो अभी भी वो स्ट्रांग तो अभी भी है, फिर तभी भी होगा। हाँ बट ऐसा नहीं है कि भाई उसके ऊपर ही गवर्न होगी, रेने डिकार्ट डर गया तो सभी डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ ओके ओके, स्पिनोज़ा ने तो उसी वक्त रिफ्यूट कर दिया था, स्पिनोज़ा ने तो रिलीजियस गॉड को रिफ्यूट ही कर दिया था तब की तभी। समझ में आ रहा है? भाई कांट का ये कहना है कि भाई ये सब चीज होती है। अब इतना तुमको ये थ्योरी समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? समझ गया है ना, इसको ये मतलब बेस है कांट का, ये बेस है कांट हार्ड, इसीलिए लगता है। तुषार तुमने पढ़ा था ये सब? नहीं ना सर, इसलिए कांट समझ में नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि कांट का बेस जब तक क्लियर नहीं होगा तुमको, तब तक कांट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और ये बेस कहीं भी इजी हो गया। अब इजी हो गया, अब बिल्कुल इजी हो जाएगा, अब कुछ नहीं कांट में, बस रेशनल कैटेगरी से पढ़ना, स्पेस एंड टाइम के बारे में पढ़ना, बस कांट खत्म, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब कांट क्या बोलता है, देखो ये इन दोनों ने तो ये चीज बोल दी कि भाई देखो माइंड के अंदर ये क्लीन स्लेट है, क्लीन स्लेट है, और ये रेशनलिज्म वाले बोल रहे हैं कि माइंड एक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो माइंड की तरफ जाता है, ठीक है। कांट क्या बोलते हैं, देखो कांट बोलेंगे नॉलेज बिगेन्स विद एक्सपीरियंस, ठीक है, नॉलेज एक्सपीरियंस से सबसे पहले स्पेस एंड टाइम में होनी चाहिए, वो चीज एक्सपीरियंस करा, बट एक्सपीरियंस स्टिट्स द माइंड टू बिकम क्रिएटिव एज वेल, ठीक है। एक्सपीरियंस की क्या, जैसे एक्सपीरियंस आता है
तो माइंड क्रिएटिव हो जाता है, ठीक है. हैंस इन द नॉलेज सेंस एक्सपीरियंस इज एट वन मोल्डेड एंड ट्रांसफॉर्म बाय अप्रायरी एलिमेंट्स. मतलब ये क्या है, रेशनल कैटेगरी, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द माइंड. ओके, इसका मतलब क्या है, एक्सपीरियंस, बोथ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज वेल एज रेशनैलिटी इज रिक्वायर्ड. ये कांट भाई साहब है, ये मतलब इनका फॉर्मूला है कांट का, जिसको नॉलेज के हिसाब से वो डिफाइन करेगा, ठीक है. देखो ओके, अब देखो कांट की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज आएगी ना, आप समझ जाओगे सब कुछ. अब कुछ भी मतलब नहीं है, अब तो बस ज्यादा कुछ है नहीं कांट के अंदर, अपन इजीली समझ जाएंगे इसको. थ्योरी ऑफ नॉलेज जो कांट की होगी, अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज मस्ट हैव एटलीस्ट थ्री एलिमेंट, नेसेसिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए और न्यूनेस और नोवेलिटी होनी चाहिए. ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी जाकर नॉलेज को प्रॉपर नॉलेज कहा जाएगा. सिर्फ नेसेसिटी और यूनिवर्सलिटी से नहीं होगा, सिर्फ न्यूनेस से भी नहीं होगा, नेसेसिटी, यूनिवर्सलिटी एंड न्यूनेस छोड़ भी दे. दिस इज हाउ कांट वर्क. कांट इस तरह का अपना थ्योरी ऑफ नॉलेज देगा. ये तीनों होने चाहिए, इसमें अगर कोई भी कम हो गया तो नहीं होगा. हाँ, तो उसको नॉलेज नहीं बोलेंगे. हाँ, उसको नॉलेज नहीं बोलेंगे, वो फिर आधे अधूरी नॉलेज है. सर इसका एग्जांपल दे सकते हो, मतलब जैसे अभी एग्जांपल कांट देंगे, एग्जांपल आने वाले क्लास के अंदर वो हर चीज को इससे लिंक कर देंगे, नेसेसरी, कंपलसरी. और अब उन्होंने जो ये चीज करी है ना, बिल्कुल फ्रॉड है एक तरह से, ठीक है. फ्रॉड भी हम बताएंगे किस तरह से साइकोलॉजी और साइंस के साथ वो खेले, ठीक है ना. वो ये चाहते हैं इनका फॉर्मूला ये वाला आना चाहता है, ठीक है. और इसके लिए वो क्या करेंगे, कैटेगरीज की बातें करेंगे, कैटेगरीज के जाल में उलझाने की कोशिश करेंगे आपको, कैटेगरीज की बात करेंगे. और दूसरे क्या करेगा, स्पेस एंड टाइम की बात करेगा कांट, स्पेस एंड टाइम. जैसे स्पेस एंड टाइम के बारे में कुछ बोल के रहे कांट भी उसको बोल कर गए, ठीक है. इसी तरह से कांट क्या है, कैटेगरीज के बारे में कुछ बात करेंगे. मंदर समझ में आ रहा है आपको? बाकी आ गया तुषार, तुम्हें आ गया समझ में? थैंक यू सर. यस सर. यस सर. यस सर. ओके. और विनीत? यस सर, समझ गया. ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो, कांट क्रिटिसाइज रेशनलिस्ट एंड एम्पिरिसिस्ट व्यू अबाउट द नॉलेज. रेशनलिस्ट ओवर एम्फेसिस ऑन रीजन. वो सिर्फ ये बोलता है 2+2=4, ठीक है, कि ये हमारी इननेट नॉलेज है, वो मैथमेटिक्स के बारे में होता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, एम्पिरिसिस्ट ओवर एम्फेसिस ऑन द न्यूनेस इन द नॉलेज. ठीक है, कांट से दे बोथ आर व्हाट दे आर सेइंग. जो कह रहे हैं ना उसमें तो सही है, बट जो वो डिनाई कर रहे हैं, जो ये डिनाई कर रहे हैं कि ये चेंज नहीं हो सकती है नॉलेज, उसमें वो गलत है. बट रॉन्ग इन व्हाट दे आर डिनाइंग. सो कांट रिकॉन्साइल्स देयर अपोजिंग क्लेम्स ऑफ डिफाइनिंग नॉलेज. दोनों की नॉलेज को रिकॉन्सिलेशन कर दिया है. ये कांट का थ्योरी है, एम्पिरिसिज्म प्लस रेशनलिज्म. न्यूनेस भी रिक्वायर्ड है और यूनिवर्सल कंपल्सरीनेस भी रिक्वायर्ड है. ये बोल रहे हैं तुम यूनिवर्सल एंड कंपल्सरीनेस बोल रहे हो, और जो तुम डिनाई कर रहे हो, ये डिनाई क्या कर रहे हैं रेशनलिस्ट, ये बताओ. उसमें तो सही है, बट जिसको डिनाई कर रहे हैं दैट इज न्यूनेस, वो भी होना चाहिए. सर सर इसे हम जैनिज्म से कंपेयर कर सकते हैं क्या, शायद वाद से? विनीत समझ में आया ये वाला पॉइंट? हाँ सर समझ गया. हाँ बोलो आप, ऋषि बोलो. हाँ सर, इसे हम जैनिज्म से कंपेयर कर सकते हैं क्या, सैदवाद से? जबकि किसी को लगता है कि वो सर्कल है, किसी को ट्रायंगल लगता है, लेकिन वो अपने आप सही है, लेकिन जो डिनाई कर रहे हैं कि वो, एक कहता है कि वो ट्रायंगल नहीं है, वो सिर्फ सर्कल है, तो जो डिनाई कर रहे हैं वो गलत है. एक्सक्लूसिविटी वाले बोल रहे हो तुम? एक्सक्लूसिविटी वाले. हाँ सर, वो नहीं डायरेक्ट इसके अंदर, क्योंकि वो अलग कांसेप्ट है, उसके अंदर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है. वो वाली चीज से कंपेयर मत करना एग्जाम के अंदर, वो इररिलेवेंट की तरफ चल जाएगा. ओके. हाँ तुषार, तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं नहीं, यही सर. लेकिन फिर एक पॉइंट ये ऐसा था, जैसे अभी रैशनलिस्ट न्यूनेस को ये करेंगे, डिनाई करेंगे, और इम्प्रिसिस्ट रैशनलिटी को ये करेंगे, मतलब यूनिवर्सलिटी को,
मतलब दोनों एक दूसरे के पॉइंट को जो रिफ्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं वो वही दो पॉइंट है, और जो रिफ्यूट कर रहे हैं वो भी वही दो पॉइंट है। हाँ, दोनों के अलग अलग है। जैसे रैशनलिस्ट तो ये जो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना वो तो सही है, पर जो डिनाई कर रहे हैं वो गलत है, गलत डिनाई कर रहे हैं इनको, इन दोनों को। ये जैसे रैशनलिस्ट कर रहा है कि यूनिवर्सल और कंपल्सरीनेस है, ठीक है, और डिनाई किसको कर रहा है, न्यूनेस को। डिनाई नहीं करना चाहिए भाई, यहाँ तक सही हो तुम, इसको भी करो, इसको भी मानो। कौन मारे जैन का जो ये बोल रहा है, ऋषि बोल रहा है जैन का, जैन तो ऋषि, जैन के अंदर ऐसे नहीं बोला ना, जैन के अंदर ये बोला है कि भाई तुम अपना मानो, सिर्फ अपना अपना मानो। हाँ, एक्सक्लूसिवली राइट होगा चार मानो वहां पे, ऐसा नहीं कि तुम ये नहीं मान रहे प्लस तो उसको मना मत करो उसको, पर इसको तो ये हाँ। ये भी नॉलेज जो है वो भी तो कंप्लीट नहीं है ना भाई, ये भी तो पार्शियली नॉलेज है स्टार वाले। कांट बोलेंगे स्टार भी तुमको पता लगना चाहिए, तुम्हें पता लगना चाहिए डैश लाइन भी, तुम्हें पता लगना चाहिए डॉट भी। दिस इज हाउ कांट विल डू, ठीक है। कांट बोलेंगे ये प्रॉपर नॉलेज नहीं है स्टार वाले, ये तो क्या है, ये तो इस, क्योंकि देखो पार्शियल नॉलेज है, पार्शियल नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जब कैटेगरी सेम है तो सबको एक ही नॉलेज आनी चाहिए ना, इस तरह से बोलेंगे। सर, कांट के थ्योरी के लिए हम वो वाइल्ड काउ का एग्जांपल ले सकते हैं क्या, कि किसी आदमी के अंदर एक इनेट आइडिया है पहले से कि काउ ऐसे होती है, या और जब वो जंगल में जाता है तो उसे एक्सपीरियंस होता है उस वाइल्ड काउ का, तो हम यहाँ रैशनल और इंपीरिसिज्म। आप लोगों को न्याय फिलोसफी याद है, न्याय फिलोसफी? यस सर। न्याय फिलोसफी का परसेप्शन क्या था? एक श्लोक था ना न्याय फिलोसफी के परसेप्शन, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम वही तो कांट बोल रहा है। कांट को जब आपको कंपेयर करना होगा ना, तुमको न्याय फिलोसफी से अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। न्याय फिलोसफी ने जो बोला है और कांट ने बोला है वो दोनों सेम चीज है, कि जब तुमको तो वही जब हाँ एक बार सुनो कि जब तुम्हें कोई चीज देखनी है, ठीक है, जब तुम किसी चीज को समझना चाह रहे हो तो उसको पहले देखोगे, ठीक है, फिर उसको समझोगे। सिर्फ देखने भर से काम नहीं चलेगा, देखने भर से करेगा और अपनी रेशनल कैटेगरीज के अंदर नहीं आया तो फिर वो गलत नॉलेज आ जाएगी। राइट, फिर पहले उसको समझो। जैसे चारवाक थे, सिर्फ देखते थे, तो चारवाक ने देखा कि बाहर सड़क पर देखा कि भाई अब मिराज, उसको मिराज के अंदर दिमाग नहीं लगाया उन्होंने, उन्होंने देखा पानी है तो उन्होंने पानी बोल दिया, बट उनको दिमाग लगाना चाहिए था मिराज वाला, क्या मिराज सन है अभी रोड पर पानी हो सकता है, तो मिराज वाला दिमाग लगा। दैट इज हाउ द थिंग वर्क इन दिस वन। कंसेप्ट विदाउट परसेप्शन, परसेप्ट विदाउट कंसेप्शन, ये इनकी लाइन है। रॉन्ग है, विदाउट कंसेप्ट एंड कंसेप्ट विदाउट परसेप्ट इज नॉट एन, ये कांट का लाइन है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं अपन, फिर कल से स्टार्ट करते हैं पूरा, इसको एक बार रिवाइज करो, दो बार रिवाइज करना इसको, ठीक है, एक अभी रिवाइज करना, मैं पीडीएफ दे देता हूं आप लोगों को, और एक फिर रात को सोने से पहले रिवाइज करना, ठीक है। धीरे 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 करेंगे, पूरी फिलोसफी कर लेंगे, एग्जाम से पहले हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ, अब ये सुन लो, क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, ठीक है, वो भी कर लेंगे, डोंट वरी, ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं होगी, वो तो करवानी है तुम्हें, वो तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे, ऑनलाइन ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है तुषार। यस सर। ओके ऋषि, मंदर एंड आदित्य एंड विनीत, ठीक है, चलो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, कल अपन 9 बजे से 9 से 10, ठीक है, ठीक है, ठीक सर, ओके, थैंक यू, बाय, ओके सर, बाय बाय। हेलो सर। हाँ, क्या हुआ? ये रिकॉर्डिंग जो आपने किया वो शेयर कर सकते हो क्या? रिकॉर्डिंग नहीं यार, रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हो पाएगा, रिकॉर्डिंग किसने करा? मुझे नहीं पता, यहाँ पे रिकॉर्ड हो तो रहा है, रिकॉर्डिंग तो, चलो ये वाला तो दे देता हूँ तुमको, देखता हूँ मैं, मेरे अंदर रिकॉर्डिंग हो गया होगा तो आई विल गिव यू, चलेगा, ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, है ना, ओके, कल मिलते हैं।